राम राम सभी को। तो अब हम आए हैं आमेर फोर्ट, इसे हम लोग अंबेर फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जल महल के बाद में अब हम लोग आए हैं आमेर फोर्ट, और इसमें मतलब जो साइड में पहाड़ वगैरह आ रहे हैं पूरे रास्ते में, तो बारिश की वजह से पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, तो बहुत सुंदर ये लग रहा है। और इसको हम लोग कनक घाटी के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को मेरे साथ घूमने का पूरा फील आए, इसलिए मैं जो रूट है जहाँ से हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, वो पूरा रास्ता दिखाऊंगी। और आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। की तरफ है आमेर फोर्ट और नीचे की तरफ है माउटा लेक। फोर्ट के जस्ट सामने एक मार्केट भी है बहुत बड़ा, और यहाँ पे आते हैं मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर आपने जयपुर में आमेर फोर्ट नहीं घूमा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो इस वक्त है हम लोग आमेर फोर्ट में, और एक और फोर्ट है जो है नाहरगढ़ फोर्ट, वो है दूसरी जगह पे, उधर भी जाएंगे हम लोग। अंदर अंदर तो ये महल ही महल है, अंदर देखोगा जो इंडिया की सबसे बड़ी तोप है ना, वो उसी जयगढ़ के अंदर रखी हुई है। नहीं, इसके जस्ट ऊपर देखो, वो एक वो ये आ रहा है, ये उसी में है, इसकी सुरंग उसमें है, उसका आदमी इसमें आ सकता है, इसका आदमी उसमें जा सकता है। अब आप देखिए, चलो सुरंग से ही चलते हैं। ये तो इसकी बाउंड्री है ना, ये देखो ना, ये आमेर किला है, इसके चारों तरफ सैनिक रहते ही थे आक्रमण की वजह से। मैं तो डंडों के नीचे और भी खींच देता हूँ।
आमेर फोर्ट में एंट्री के लिए ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हमें पहले टिकट लेना पड़ेगा, फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। आमेर फोर्ट में एंट्री के बाद में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है दीवान आम, और यहाँ पे ये बहुत ही मतलब नॉर्मल लोगों के लिए था। यहाँ पे बैठ करके वो सभा वगैरह करते थे और यहाँ गार्डन टाइप का बना रखा है बीच में। फोर्ट की दूसरी मेन चीज़ है दीवान खास, और यहाँ पे हम लोग अंदर देख नहीं सकते, यहाँ पे पूरा बंद कर रखा है। आमेर फोर्ट की तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है वो है शीश महल, और कहा जाता है यहाँ पे जो शीशे लगे हुए हैं ये बेल्जियम से मंगाए गए थे, और इनका काम ये था कि ये पूरे रूम को ठंडा रखते थे, मतलब पूरे महल को। और दूसरा ये कि वो ज़्यादा सर्दियों में अगर इसमें आते थे तो यहाँ पे एक कैंडल जलाते थे जिसकी वजह से पूरा रिफ्लेक्शन होकर के ये जगह गर्म हो जाती थी। ये रास्ता छत की तरफ जाने के लिए है। इस फोर्ट में जो जोधा अकबर वाली मूवी है उसकी शूटिंग भी हुई थी, और ये जो पानी के बीच में आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे थोड़े पेड़ वगैरह रखे, यहाँ पे जो यहाँ का राजा थे मतलब मानसिंह जो थे, उन्होंने यहाँ पे सेफ्रॉन की खेती के लिए जगह बनाई थी। इस महल में जोधाबाई का जन्म हुआ था, और फिर यहाँ से वो बाद में शिफ्ट हो गए थे अलग जगह पे, फिर उनकी शादी हुई थी अकबर से। महल के कोनों में जो ऐसी जगह बना रखी होती है ये ज़्यादातर जो सैनिक होते थे उनके लिए होती थी, ताकि वो यहाँ से महल का ध्यान रख सके कि कोई खतरा तो नहीं है महल का। हम जल्दी में थे इसलिए मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें तो हमने देखी ही नहीं, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया यहाँ पे आकर के।